मित्रों, हम यह तो जानते हैं कि इलाहाबाद ने आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया अपना, लेकिन हम उन अज्ञात हीरो के नाम के बारे में नहीं जानते जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हमें आजादी दिलाने के लिए। मैं वीरेंद्र पाठक आपके बीच ऐसे हीरो की कुछ कहानी लेकर आ रहा हूं जो देश और समाज के सच्चे हीरो थे और जिन्होंने बिना किसी जात पात भेदभाव के सबसे ऊपर देश प्रेम को माना और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया बिना किसी लालच के, बिना किसी ताम्र पत्र के, बिना किसी सम्मान की आकांक्षा के। ऐसे हीरो की एक कहानी पूरी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आज हम बताएंगे ननका जी के बारे में जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इलाहाबाद की कोतवाली में दिया था, जिनका शहादत दिवस आगामी 12 अगस्त को है। लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, बिना किसी स्वार्थ के दिया, बिना किसी लालच के दिया कि उनको पेंशन मिलनी है, उनको ताम्रपत्र मिलना है या कुछ मिलना है, और उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। एक नाम मैं और बताता हूं, ननका जी का। एक मेहतर है जिसके अंदर का जज्बा देखिए, पूरी कोतवाली बलूच रेजिमेंट से घिरी हुई है, यही कोतवाली ऐसी ही थी और पूरी कोतवाली बलूच रेजिमेंट से घिरी हुई है। विरोध दूर है, यहां पे विरोध की बात है, उसकी बात में बात करूंगा। विरोध दूर, भारतीय जो है दूर खड़े। एक मेहतर, पहले कमोड जैसी व्यवस्था नहीं थी, मस्क हुआ करता था, उससे धुला जाता था। एक मेहतर जो बक्सी में रहता और जिसका काम कोतवाली का शौचालय साफ करना रहता है, वो अपने मसक में तिरंगा झंडा छुपा के ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक भावना है, देश प्रेम की भावना है। वही भावना है जो चंद्रशेखर आजाद के अंदर थी। न जात है, न धर्म है, न कोई चीज है, वो छिपा के ले जाता है मुश्ताक साहब। और उसकी तलाशी इसलिए नहीं ली जाती क्योंकि वो रेगुलर का वहां कोतवाली का कर्मचारी है, साफ करने वाला है, और बलूच रेजिमेंट के बीच से वो जाता है और उसका देश प्रेम देखे कि धीरे धीरे वो चढ़ के उसी जगह पहुंचता है जहां पे अंग्रेजों का फ्लैग लहरा रहा है और वो सारा ध्यान लोगों का नीचे है और वो झंडा बदल देता है। और झंडा बदलते जब बदला जाता है और लोग उत्साह में नारे लगाते हैं, तब लोगों को लगता है कि अरे वो तो झंडा बदल दिया गया, और वहीं से गोली मारते हैं। वो ननका जी नाम का व्यक्ति नीचे गिर जाता है और वहीं शहीद हो जाता है। अंग्रेजों ने उसका नाम इतिहास में तो दर्ज किया है, लेकिन ये नहीं दर्ज किया कि झंडा बदल दिया गया तब उसको गोली मारी गई। ये लिखा है कि झंडा बदलने का प्रयास किया, गोली मार दी गई। ये शहीद हैं जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। सब शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है और जो हुआ है। लेकिन भैया बताया तो हमको यही गया कि बिना खटक बिना ढाल के आजादी मिल गई जी, इसीलिए मैंने आपके बोलने पे कोई आपत्ति नहीं की थी कि आप सही बोल रहे हैं। मान्यवर, आजाद हम सब के बीच में है, अरविंद जी और जितने लोग यहां बैठे हैं। हो सकता है कोई कर्मचारी यहां राजेश पुरोहित जी के डर से बैठा हो, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर उसको भी बहाना बनाना होता और मजा नहीं मिल रहा होता तो कोई ना कोई बहाने से वो भाग के जाता।